दर्शकों का YND न्यूज में स्वागत है। मीरा भाईंदर के MLA श्री नरेंद्र मेहता और महापौर डिंपल मेहता के द्वारा राशन कार्ड शिविर का भव्य आयोजन किया गया। यह शिविर राशन कार्ड कार्यालय के पास फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भाईंदर पूर्व में 5 और 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया, जिसमें कि आप नया राशन कार्ड, नाम कटवाना, नाम का समावेश करना, फटे हुए राशन कार्ड को दोबारा बनवाना, राशन कार्ड के पते को बदलना, राशन कार्ड संबंधित जानकारी तथा ऑरेंज कार्ड धारकों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने का भी कार्य किया जाएगा। आज हमने कैंप लगाया था कि मीरा भाईंदर की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं हुआ है, किसी का नाम कम नहीं हुआ है, तो किसी के पास नए राशन कार्ड नहीं बने, या फिर जो आम आदमी है उनको जो सरकार की योजना के अंदर गेहूँ और चावल मिलते हैं वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज राशन कार्ड वाले जिनकी इनकम 7,000 से कम है, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस नहीं मिला है। क्योंकि मोदी जी और योगी जी का सपना है कि हर घर में गैस हो, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके अंदर गैस ना हो। तो ये सारी योजना को लेकर हमने 2 दिन का कैंप लगाया है। काम पहले भी होते थे, लेकिन पहले बहुत सारी चीज़ों के कारण लोग जो है उनकी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मैं खुद यहाँ पे हूँ और जो समस्या उनका जल्दी से निवारण करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो भी प्रश्न है उसे सुलझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ना इलाज हमें गेट बंद करने पड़े, कल भी चालू है। हमें विश्वास है कि जिन किसी के काम अटके अधिकारी और हम मिलकर इसको सुलझा लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस कैंप का वापस एक्सटेंशन किया जाएगा या 2 दिन का वापस हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। ये हमारी सरकार का धोरण है कि हर गरीब आदमी को अनाज मिलना चाहिए, हर आदमी के पास राशन कार्ड होना चाहिए, हर घर में गैस होना चाहिए। ये हमारा एक निर्णय है जिसको हम पूरा करने के लिए इस कैंप के माध्यम से अलग अलग माध्यम से लोगों को न्याय दे। ऐसा है कि 3 महीने पहले मैं कुछ और काम तब भी है, मैं 6 महीने पहले करा तो बोला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, मैं पानी के कनेक्शन दे रहा था तो बोला अभी म्यूनसिपल्टी के इलेक्शन आए इसलिए कनेक्शन, तो कोई ना कोई चीज़ तो आने वाली है और काम हो रहा है ना, तो कब हो रहा है उससे हो रहा है उसको आप देखिए ना। और ये रस्टिंग ऑफिस भी मैं जब MLA मेयर था तभी बनाया एग्जाम्पल, इसके अंदर जितना आधुनिक कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सब मेरे फंड से दिए हुए हैं। तो कुछ चीज़ें समय समय पर सरकार की जब योजना आती है तो निर्णय लेते हैं, और सरकार की मोदी जी ने अभी ये निर्णय लिया कि हर घर में गैस, और देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 41 लाख लोगों को गैस दे, तो ये अभी आया तो अभी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अलग अलग योजना जब जब आती है तब तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जब जब हमारी शिकायत आती है तब तक हम उसका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमें भी लगा कि इसकी ज़रूरत है, इसके लिए इसका आयोजन किया गया। राजनीति अपनी जगह पे है, चुनाव अपनी जगह पे है और कार्य अपनी जगह पे है। देखिए, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम अगर सरकार में आए तो मीरा भाईंदर को कमिश्नर करेंगे, क्योंकि आज मीरा भाईंदर शहर होने के बाद ग्रामीण पुलिस है। ये महाराष्ट्र सरकार ने मीरा भाईंदर के रहवासी को जो वादा किया था उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लिया। अब आप ये समझ सकते हैं कमिश्नर जो है मीरा भाईंदर से बस विरार तक है, और इसके अंदर साल का करीबन 1200 करोड़ रुपया खर्च है, और इसके लिए थोड़ी सरकार को स्टाफ ऑफिस सब तैयारी करनी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये ऑफिस 38 करोड़ के, और सबसे बड़ी बात ये कि CM साहब ने रिजर्व पार्क भाईंदर में 2 एकड़ का आरक्षण भी रिजर्वेशन पुलिस हेडक्वार्टर के लिए कर दिया गया है, और ये हेड ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर में ही होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर या जनवरी तक मीरा भाईंदर कमिश्नर शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। महाराष्ट्र मध्ये हे सीधा वाटप केंद्र जे आहेत त्या केंद्रांमध्ये मध्यमवर्गीय आणि गरीब माणसांना ज्यांना रॅशनिंग मिळत नव्हतं असे जवळजवळ 40 ते 41 हजारापेक्षा जास्त लाभार्थी जे होते त्यांना या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून त्यांना रॅशन देण्याचं काम हे येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे, आणि तो इष्टांक सर्व महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या सर्व डिपार्टमेंटमध्ये दिलेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्र हा धूरमुक्त झाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा याच योजनेच्या माध्यमातून ज्याच्याकडे गॅस शेगडी नाही अशा व्यक्तीला या माध्यमातून शेगडी आणि गॅस देण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून होणार आहे।
उज्ज्वला योजने के 5 कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थी देशामध्ये आहेत आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जी मंडळी बाकी राहिली आहेत त्यांना सुद्धा याच योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्याचं काम हे सरकार करते। के पास राशन कार्ड अब तक नहीं थे या उनका नाम चढ़ाना था या उनका फट गया था नया राशन कार्ड बनाना था या उनका नाम एड्रेस चेंज करना है उनको, ये सभी जो राशन कार्ड की उनकी प्रॉब्लम्स थी तो हमारे जैसे लोग के पास तो राशन कार्ड ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी अधिकारी वर्ग उन्हें नहीं मिल पाते या उनके पास समय नहीं होता या अधिकारी की वजह से उनको कहीं और दिक्कत होती है 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद, ऐसे भी बहुत सी प्रॉब्लमें होती है। तो ये एक शुरुआत की है, ये 2 दिन के माध्यम से हमने शुरुआत की है कि जिसके जिसके राशन कार्ड में ये सब प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो सके, और आगे भी अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ये 2 दिन के अलावा तो हम और भी करने की पूरी कोशिश करेंगे।